Assalamu alaikum, I am Mukhtar Ahmed with the Virtual University Course Human Resource Management that is MGT 501 and we are here with our lecture number 26. So, let us start our today's session. Today, as I said, this is our lecture number 26 and we are already, I think, more than halfway through.

we have to go back and see what we have covered during our last lecture so, wo kaun sa tha jo hamara 25wa lecture tha aur usme dekhte hain ki kya humne cover kiya basically we started with the the remaining part of the career हमने career को 24वें lecture में, में 24th lecture लेक्चर के अंदर जो शुरू किया था उसको आगे हमने 25वें लेक्चर में आके कंप्लीट किया कैरियर के कुछ पार्ट को भी हमने पच्चीसवें लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें वन एस्पेक्ट वॉज द बैरियर्स इंटरनल बैरियर एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है आपको आगे बढ़ने नहीं दी जा रहा द मैनेजमेंट इज नॉट क्लियर एंड सो ऑन एंड देन वी स्टार्टेड ए न्यू कॉन्सेप्ट द न्यू टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट द परफॉर्मेंस

स्टाइल में दो तीन डिफरेंट जो लोगों की अप्रोचेस थी उनके तहत आपको समझाने की कोशिश की लेकिन जो एक कॉमन सेंस उसमें से बनता है जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो क्या था कि इट हैज टू डू विद द एबिलिटीज जो कि नॉलेज और स्किल्स होते हैं द ड्राइव द मोटिवेशन एंड द लास्ट बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट

Performance management, how can you manage the performance? So, that was all about our previous lecture, the last lecture, and let us see what we are supposed to cover today. Now, once we have covered the performance, naturally the next step should be how to appraise it, how to see whether

एंड मैनेजिंग इट इज नॉट ओनलीटिंग एंड इट विल बी यूज लेस इफ यूल ओनली वैल्यू एट अनलेस यू विल मैनेज इट सो खाली वैल्युएशन नहीं हो रही आपने मैनेज भी करना है इसको लेट्स टेक योर एग्जाम्पल अब आपके इंस्ट्रक्टर आपके टीचर आपकी परफॉर्मेंस को वैल्युएट करना चाहते हैं आपको एग्जाम लेंगे टेस्ट लेंगे आपका रिजल्ट आएगा एंड दैट विल बी वन इंडिकेटर दैट हाउ यू आर डूइंग

फेक्टिंग द आउटकम ऑफ नॉट ओनली द सेम पर्सन बट दीपल वर्किंग अराउंड तो परफॉर्मेंस प्रेजर क्या हुआ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ अवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग बोथ द बिहेवियर एंड आउटकम्स इन दर्क प्लेस और इसका गोल क्या होता है इट्स गोल इज टू प्रोवाइड एन एक्ूरेट पिक्चर ऑफ पास्ट जो पीछे कर चुके आप पढ़ चुके जो आप जो काम कर चुके एंड आर फ्यूचर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस क्योंकि इसी के बेस पे आप गोल सेट करते हो ना आगे एंड टू अचीव दिस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर एस्टैब्लिश अब ये कैसे किया जा सकता है देन यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड जिसके साथ आप मैच करोगे जिसे हम बेंच मार्किंग भी कहते हैं ये आगे चल के चीजें और भी आपके लिए हो लेकिन सारे सिस्टम जो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसल सिस्टम इसमें होता क्या है एक छोटा सा ग्राफिकली आपको दिखाता हूं कि इसमें सारा कुछ क्या होता है फिर है एक एक स्टेप को आगे समझने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो पहला जो सिस्टम का हिस्सा है जो उसका कॉन्सेप्ट है इज परफॉर्मेंस मेयर क्यों हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है

ये भी तो जरूरी है जैसे आपका सेमेस्टर के अंदर मिड टर्म होते हैं दरमियान में और फिर फाइनल एग्जाम होते हैं पहले हमारे यहां एनुअल सिस्टम होता था तो एट द एंड ऑफ द ईयर सिमिलरली अप्रेजल में भी आगे हम चल के देखेंगे कि कब करना है दैट हैज टू बी इज ऑब्जेक्टिव एंड रिमेंबर द टू ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंसलबर वन अवैलुएट थिंग वैल्युएशनल ऑब्जेक्टिव भी है और दूसरा डिवेलपमेंटल जस्ट गो बैक लिटर बेट अभी जो मैंने आपको परफॉर्मेंस की डेफिनेशन बताई थी अवैलुएट एंड मैनेज तो वही चीज बता रहे डिवेलपमेंटल ऑब्जेक्टिव वट इज अवैल्युएटिंग ऑब्जेक्टिव क्या चीज अवेल्युएट कर रहे हैं आप तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हुए कैन अवैल्युएट योर ओन सिस्टम ऑफ स्टाफिंग द होल कंप्लीट जो आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सारा प्रोसेस किया था ऑरियंटेशन का किया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का किया था उस सारी चीजों को भी अवेलुएट कर लेते हैं साथ ही आप देन यू हैव टू ऑल्सो अवेल्युएट कि उसकी वर्थ क्या है जिससे आप काम कर ले रहे हैं उसको कितना कॉम्पनसेट करना है How much you are going to pay to him? Directly as in in the form of money or indirect compensation. Selection system you have right fit That is also being evaluated. And of course, the the outcome of the work. वट एवर ही आर शी इज डूइंग वॉट इज डिवेलपमेंटल ऑब्जेक्टिव अब उसी की बेस पे जो आपने वेलुएशन की उसी के बेस पे कुछ डिसीजन आप करेंगे वो क्या होंगे यू आर गोइंग टू प्रोवाइड हिम द परफॉर्मेंस फीडबैक एज ए सेट इफ यू आर शी इज डूइंग एक्सीलेंट अप्रेज हिम एक्नोलज हिम रिकग्नाइज हिम पे हिम एक्स्ट्रा नॉट ओनली इन द फार्म ऑफ मनी मे बी मे बी समर फार्म सो दैट द अदर पीपल विल गेट द मोटिवेशन फैक्टर एंड डेवेलपमेंटल है कि इसी के बेस पे आप पर आप फ्यूचर उसकी जो प्रमोशन होगी उसकी जो आगे कैरियर डेवेलपमेंट होगी उसके बारे में भी डिसीजन करेंगे वही परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है वही एक आपके लिए पैरामीटर प्रोवाइड करेगा आपके लिए एज ए रेफरेंस आप उसको लेंगे एंड देन यू कैन मेक द डिसीजन वेदर दैट पर्सन इज फिट फॉर प्रमोशन ऑन आर एंड बेस्ड ऑन दिस यू कैन ऑल्सो डिसाइड वट काइंड ऑफ डेफिशंसीज आर देयर नाउ हाउ कैन यू ओवरकम दिस डेफिशियंसी यस ट्रेनिंग एंड डवेलपमेंट राइट जैसे आपकी अभी आपका रेफरेंस दे रहे थे कि अगर आपका एग्जाम होता है आपकी वैल्यूएशन होती है एंड इफ यू टीचर फिगर आउट दैट यू आर वीक इन एनालिटिकल पार्ट आपको मैथ का भी चीजें क्लियर नहीं है दे माई सजेस्ट टू टेक अदर कोर्स इन मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी नहीं है अकाउंटिंग आपका कोई सब्जेक्ट है वो ठीक नहीं है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और ट्रेनिंग के लिए भी आपको सजेस्ट किया जा सकता है तो इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेस पे ही आपकी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसमें ये भी हो सकता है दैट कैन आल्सो गाइड यू एज ए मैनेजर एज ए टीचर एज ए वर्कर वट एवर देट यूर डेफिशन सच एंड सच थिंक तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट या एजुकेशन की जरूरत है And that is the point that it will identify training and development needs. Now, second question what to evaluate? Usme aapuske traits, behavior, and task outcomes. क्या का वट वॉज ही स्पोज टू डू उसने क्या क्या करना था एक तो वो देखना है उसका ओवरऑल बिहेवियर बिहेवियर एट वर्क बिहेवियर विद द कोलीग्स बिहेवियर विद द सुपीरियर एंड इवन विद द सबॉर्डिनेट इज ही टीम मेंबर और शी इज टीम मेंबर व्हाट एंड एट द एंड वट एवर टास्क ही अर्शी वॉज सपोज टू डू वट इज द आउटकम सो टेक्निकली ये तीन चीजें तीन आस्पेक्ट हमने कवर करने होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर और उसके लिए जैसे आपसे कहा था कि यू नीड यू नीड टू हैव सर्टन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स किसके साथ आप कंपेयर करोगे वो चीज भी क्लियर होनी चाहिए इससे पहले कि आप परफॉर्मेंस प्रेजर करें एंड इट शुड रिलेट बैक टू द जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल्स नाउ यू हैव टू सी फर्स्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन होम यू वॉन्ट टू वेल्यू इट वट ही वॉज पोस्ट टू डू जब वो चीजें आपको मालूम हो तो फिर उसी बेस पे आप उसकी लुएशन भी कर सकते हैं और एक अच्छे जो वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होने जरूरी हैं ताकि आप प्रॉपर उसकी इवेल्युएशन कर सकें आपने उसको तो इक्विपमेंट उसको फैसिलिटीज उसको एनवायरमेंट यहां की दी हुई है लेकिन आप उसको वैलुएट करना चाहते हैं ऐसे सोफिस्टिकेटेड एनवायरमेंट की जो आपसे बहुत बेहतर है तो दैट इज नॉट फेयर लेट्स वट शुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड किस तरह के होने चाहिए सबसे पहले तो इट शुड बी रियलिस्टिक इट इज ह्यूमनली पॉसिबल ये नहीं है कि आपने एक साल के अंदर ये छह जमातें इकट्ठी पास कर लेनी है दैट इज नॉट पॉसिबल लाइक यूर यू माइट बी टेकिंग फाइव फॉर से सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर और अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं आपने तेरह सब्जेक्ट या बीस सब्जेक्ट पढ़ने एक सेमेस्टर के अंदर विच इज नॉट रियलिस्टिक थिंग दैट विल बी अनफेयर तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जो स्टैंडर्ड आप बनाते हैं उसका ये होना चाहिए कि दैट शुड बी रियलिस्टिक एंड इट शुड बी मयरेबल जनरलाइज चीज मेयर करना मुश्किल होता है इट शुड बी मयरेबल

तो सबसे पहले तो यह क्लियर हो देन यू हैव टू पिक ए प्रॉपर मैथड ऑफ अप्रेजर यू हैव टू पिक आर चूज एन अप्रोप्रिएट अप्रेजल मैथड आगे चल के हम देखते हैं कि वो मैथड कौन से हैं यू हैव टू ट्रेन द सुपरवाइजर कुछ गए थे सुपरवाइज दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथ द प्रोसेस यूर शी शुड बी क्लियर और जैसे मैंने प्रीवियस हमने स्लाइड के अंदर देखा कि इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टुड और उसमें सुपरवाइजर या जो एवेल्युएशन करने वाला उसको भी मालूम होना चाहिए एंड देन बिफोर यू स्टार्ट दुएशन यू शुड डिस्कस विद द मेथड विद कि लुक दिस इज द मेथड वी हैव डिसाइडेड कि थ्रू दिस मेथड एंड यूजिंग दीज स्टैंड वी आर गोइंग टू एवेल्यूएट वर्क एनिमल वे बिफोर द वेल्यूएशन जब मैंने कोई जॉब शुरू करनी है तो मुझे मालूम हो कि मुझे किस पैरामीटर पे, किन स्टैंडर्ड के पे टेस्ट किया जाएगा आपने अपना सेमेस्टर शुरू किया है आपको मालूम होना चाहिए कि आपसे किस किस्म के एग्जाम लिए जाएंगे आई I मीन mean, कब होगा, कौन क्या क्या पार्ट कौन से सब्जेक्ट से लिए जाएंगे और किस तरह का तरीकाकार होगा

and you manage it now the next stage is the development phase is coming now if you are you have been appraised and nobody is telling you what you have performed then then what is the big fun of having this performance appraisal now let us see if somebody is doing my performance appraisal and unless he will inform me case me kya deficiency thing तो किस तरह मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम के अंदर अब तो काफी बेहतर होते जा रहे हैं हमारे यहां जो प्रेजेंट सिस्टम था जो उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम होता था अनलेस इट इज नेगेटिव नो बॉडी टेलिंग यू। हमारे सिस्टम में उसको एसीआर शायद बोलते हैं उसको उसकी एब्रीवेशन लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं कोई इसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहता है कोई उसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज कहता है बट वट एवर दैट इज ए आल्सो वन मेथड ऑफ अप्रेजर अब उसकी जो नेगेटिव या उसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि नो इज कमिंग बैक एंड टेलिंग यू अच्छी परफॉर्मेंस जो होती है वो फेस टू फेस होती है कि आप जिसकी अप्रेजर कर रहे हैं उसको बिठाएं उसके साथ एक एक पॉइंट पे डिस्कस करें

सो वट शुड बी योर नेक्स्ट गोल परफॉर्मेंस गोल के इट शुड बी मोर देन थ्री पॉइंट फाइव एंड दिस इज लाइफ दिस इज दाउ वी डू द बिजनेस हाउ वी डू द वर्क तो देन उसके बेस पे आप वो पैरामीटर बन गए आप इसके बेस पे आप इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे डिटर्मन द फ्यूचर परफॉर्मेंस गोल बेस्ड ऑन द प्रेजेंट परफॉर्मेंसर लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेज वी हैव टू डिस्कस सम मैथड्स किस तरीके से कैसे की जाती है परफॉर्मेंस प्रेज आपके टेक्सट के अंदर आपके बुक के पास जो पढ़े हैं आप उसके अंदर भी मुख्तलिफ मैथड डिस्क्राइब किए गए हैं आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दैम एक दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगा बाकी आप पढ़ेंगे एंड आई बिलीव दिस इट शुड बी क्लियर टू यू फिर भी अगर नहीं क्लियर होते तो वी आर हेयर कम बैक डिस्कस विद अस सबसे पहले रेटिंग स्केल्स मैथ कि आप एक स्केल बनाते हो आजकल आपने देखा होगा कि सर्वे वगैरह जो होते हैं इवन एवेल्युएशन जो कराई जाती है और जो आते हैं उसके ऊपर वो दायरे से बने होते हैं और एक एक कोई पैरामीटर के सामने लिखा होता है ए बी सी डी ई या एक से लेके कुछ पॉइंट लिखे होते हैं और हर एक पॉइंट के ऊपर आपने फिर अकॉर्डिंगली टिक करना होता है कि अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन और योर व्यू आगे चल के एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं देन आप देर इज एन कंपेटिव मैथ आप कंपेयर करते हो एक कर दूसरे के साथ उसके अंदर रैंकिंग मेथड आता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आता, आता है कि आप क्लास के अंदर आपकी क्या पोजीशन है तो वट इज हैकिंग इन द सेम क्लास तो ये आपका कंपेरेटिव मैथड हो गया एंड देन क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड वो क्या है एक तो चले एनुअल रिव्यू जैसे मैंने आपसे कहा था वो हो सकता है चेकलिस्ट हो सकती है बिहेवियर एंकर्ड एक रेटिंग स्केल बताई जाती है वो भी इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से भी आप मैथड uh, यूज कर सकते हैं सम टाइम जस्ट यू कैन राइट ए पैराग्राफ और ऐसे टाइप ऑफ थिंग अबाउट ए पर्सन अमूमन जो होते हैं आबास या आपके जो जिनके नीचे से आपने काम करना होता है वो आपके बारे में एक दो तीन पैराग्राफ लिख के बताते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी एंड ऑफकोर्स दे आल्सो सम पैरामीटर सम स्टैंडर्ड्स, जिसके बेस पे आपके बारे में वो लिखते हैं वी कॉल इट एम बी ओ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव उसके अंदर इन बिल्टमेंसल हो रही होती है इसको भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं एंड यू कैन कंबाइन द मैथड एंड अगेन इट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर टॉकिंग इवन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू और किस तरह का आपका सेटअप है कितनी स्पोर्ट है आपके पास और लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं ग्राफिक्स रेटिंग स्केल जैसे इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू सेवन एक से सात तक उन्होंने नंबर लिखे हैं और सात खाने उन्होंने बना दिए और दैट इज क्वांटिटी ऑफ वर्क किसी के किसी का चेक करें कि उसने कितना काम किया वन रिप्रेजेंट द लोएस्ट एंड सेवन रिप्रेजेंट द हाइस्ट एंड अकॉर्डिंगली दे हैव द वैल्यू एक से बेहतर दो है दो से तीन है तीन से चार है और सबसे बेहतर साथ है। और इस एग्जाम्पल इस के अंदर उसने पे उसको क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी quantity, उसकी जो वर्क क्वांटिटी है उसने काफी वर्क प्रोड्यूस किया है दो इट इज नॉट मैक्सिमम द एक्सीलेंट लेकिन थोड़ा सा उससे बेहतर है इस, इस जरिए के साथ भी यह भी एक तरीका है जैसे मैंने आपसे कहा रेटिंग का इसके अलावा कई दफा वो दायरे से बने होते हैं वन टू ए टू ए बी सी डी करके देखा जाता है एंड यू हैव टू पिक द अप्रोप्रिएट सर्कल आर कॉलम दैट इज वन मैथड सिंपल रैंकिंग जिसे कहते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लास के अंदर पोजिशन बनती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजिशन वैसे एक हाइपोथेटिकल मैंने कुछ चार नाम लिखे हैं कि पहली पोजिशन पे अजीज अहमद साहब हैं दूसरी पोजीशन के ऊपर समर अब्बास साहब हैं एंड रिमेंबर के जिस मेल है फीमेल भी हो सकती है ये तो कुदरतन चारों नाम मेल के आगे तीसरा नाम अरशद भट्ट साहब का है और फोर्थ नंबर पे हैं हामिद अली साहब सो दिस इज ए सिंपल रैंकिंग जिसे कहते हैं हम एक ये भी मेथड हो सकता है देन दट इज वन द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आप ग्रुप बना देते हो और फिर उस ग्रुप के अंदर देखते हो कि ये किस ग्रुप के अंदर आता है लेट्स केस में दे हैव फाइव डिफरेंट ग्रुप्स टेन परसेंट नंबर वन जो एक, एक ग्रुप बनाया उसको मार्जिन ना में आपने नाम दिया नंबर टू ग्रुप को आपने नंबर वन जो इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नंबर टू मार्जिन भी काम हो रहा है नंबर थ्री सेटिस्फैक्ट्री नंबर फोर गुड नंबर फाइव आउटस्टैंडिंग अब हर ग्रुप के अंदर आपने कुछ लोगों को जो उसके अंदर उस उस ग्रुप के अंदर आते हैं उनको आपने इकट्ठा कर दिया इन दिस एग्जाम्पल दू है अनसेटिस्फैक्ट्री ट्वेंटी परसेंट मार्जिन 40% परसेंट सेटिस्फैक्ट्री एंड सो ऑन इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं यही एग्जाम्पल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोएस्ट नेक्स्ट लोएस्ट मिडल नेक्स्ट एंड हाईएस्ट और उसकी आपने वेटेज क्या रखी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उसमें से टोटल आपके पास 50 एम्प्लॉयज हैं उसके में से पांच एम्प्लाई ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बहुत कम है आपने उनको लोएस में रखा और 20 एम्प्लॉज ऐसे हैं जिनकी मिडिल के अंदर है आपने उसको एवरेज पे रखा और फाइव ऐसे हैं जो एक्सीलेंट है तो एक से नॉर्मल बेल शेप का इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है तो दिस टाइप ऑफ ये भी एक रेटिंग इसमें अपने आप को कंफ्यूज ना कीजिए जस्ट कंसेप्ट को समझिए क्योंकि आपको इसकी एप्लीकेशन देखनी है क्यों कर रहे हैं फायदा क्या है इसका तरीके तो और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं इसकी कॉम्बिनेशन से आप बहुत सारे तरीके नहीं बना सकते हैं बार जिसको कहते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जिसको कहते हैं इसमें भी ऐसे किया जाता है कि मुख्तलिफ्ट तीन चार वो सी सीक्वेंस में आप उसको अरेन्ज कर लेते हैं इन इफेक्टिव टू तो इफेक्टिव यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल बताई गई है और फिर सामने लिखे हुए पैरामीटर के मुताबिक क्योंकि इसमें आप न सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं बट यू आर आल्सो लुकिंग एट देयर बिहेवियर पार्ट टू तो इस तरह भी एक तरीका है आप लोगों की इवेल्यूशन कर सकते हैं एंड मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव टू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट टाइम आई थिंक वी आर यूजिंग दिस टर्म हेयर एम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आम सेंस में कॉमन सेंस में इसको हम पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं और इस तरीके के अंदर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल और मेथड इज ऑलरेडी इन और उसी की वजह से वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और या एम की वजह से वो आपकी साथ साथ वेलुएशन भी हो रही होती है टू सी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दॉडल ऑफ दिस एम सिंपल वे में इट इज द गोल सेटिंग प्लानिंग एंड वेल्यूएशन सी दिस दिस्युएशन पार्ट इज बिल्ड इन इन दिस सिस्टम इसको एक और तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा एक उसको उसके मॉडल को देखते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए दे आर फोर स्टेप्स स्टेप नंबर वन वी हैव टू सेट द गोल्स दैट कैन बी स्ट्रेटेजिक गोल इंडिविजुअल गोल डिपार्टमेंटल गोल और वट एवर वी डोंट वॉन्ट टू गो ऑन थिंग्स बट इट इज द गोल सेटिंग वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट द गोल्स नेक्स्ट थिंग इज यू है एक्शन प्लान द सेकेंड स्टेज और दरम्यान में उसको आप स्टेज थर्ड में उसको रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस कि क्या जो प्लान करके जो मैंने गोल सेट किया था और जो प्लान किया था उसके मुताबिक मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे दिस इज देशन पार्ट एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग विल नो यू है And make the corrective action. And if you are satisfied, okay, your performance is according to your plan, then you will also appraise the whole process again. And this is a cyclic thing. You set the goal, you discuss with the people, this is how we call it participative management, and you make the action, you decide about the action plan, review it off and on during the process, make the correction action, and based on what? that performance appraisal you are, uh, or appraisal you are doing, okay, according to my plans, according to my goal I am achieving those goals or not, and if it you are not doing you can again go back based on those corrective action, replan it, come back, review it again, do the evaluation and this is how you will achieve your goal. MBO भी कहते हैं मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कहते हैं या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं और अप्रेजल के लिए एज ए मैथड जैसे मैंने आपको कहा, इसके इन बिल्ड है कि आप उसको रिव्यू करते हैं साथ साथ देखते हैं और साथ साथ उसकी एक्टिव एक्शन भी करते जाते हैं तो दीज आर दैथड्स उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे भी लिखा जाता है आप एक पैराग्राफ की शक्ल में एक वन पेज किसी के बारे में लिखते हैं आई यू कैन कंबाइन देम टुगेदर और उस कंबाइंड मेथड के मुख्य मेथड यूज करके भी आप अप्रेजल कर सकते हैं सो आई बिलीव दीज बेसिक थिंग शुड बी क्लियर योर माइंड नाउ नाउ लेट सी कि जब अप्रेजल होती है या अप्रेजल करते हैं आप कोई मैनेजर उसमें उमून क्या होता है एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड के साथ उसकी परफॉर्मेंस देखें एंड नो नीड टू टॉक अबाउट विद हिम तो दिस इज नॉट फेयर दिस इज नॉट गुड जो अच्छी अदारे हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं दे हैव फॉर्मल इंटरव्यूज विद देयर एम्प्लाईज वन टू वन इवन टीम के साथ भी तो फिर वो इंटरव्यू आपस में करते हैं बैठते हैं इकट्ठे डिस्कस करते हैं परफार्मेंस को और उसी के बेस पे फिर आगे वो गोल सेट करते हैं फ्यूचर के लिए तो देखते हैं कि अगर जो इंटरव्यू किया जाए तो उसके अंदर किन चीजों का ख्याल करना चाहिए एंड नाउ दिस इज अ डिफरेंट इंटरव्यू आर टॉकिंग अबाउट जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो सिलेक्शन इंटरव्यू था दैट वॉज डिफरेंट थिंग नाउ एज ए कोलीग एज ए बॉस एंड सबॉर्डिनेट यूर शुटिंग टूगेदर एंड टॉकिंग अबाउट यूर परफॉर्मेंस उसमें क्या करना है यू हैव टू स्टार्ट विथ आस्किंग सेल्फ असेसमेंट पार्टिसिपेट आस टू टॉक अगर मैंने आपकी अप्रेजल करनी है तो आपसे शुरू करूँ कि आप बताइए खुद अपने बारे में कि आपके अंदर, आपने क्या अच्छा काम किया हमारे साथ यहाँ पेउड ताकि उसके वो खुद बताए कि मैंने देखे मैंने पिछले इस अरसे इस के जिसकी आप अप्रेजल कर रहे हैं उसके अंदर मैंने क्या अच्छे अच्छे काम किए क्या एक्स्ट्रा अच्छा काम किए उसकी पार्टिसिपेशन होगी एंड यू एज ए प्रेजल जैसे मैंने आपसे कहा कि, अप्रेज अप्रेज इसमें दूसरी प्रेज की बात भी होती है कि आप उसको अप्रिशिएट भी करें अगर उसने अच्छे काम किए मस्ट अप्रिशिएट है बाका फेम से वेल डन कीप इट अप आपके इन दो लफ्ज़ों से उसका मोरल कहाँ पहुँच जाएगा उसके अंदर एक और थ्रस्ट पैदा हो जाएगी काम करने के लिए तो जो भी किसी के प्रेजर करे उसको ये देखना है कि उसने उसको सनब नहीं करना उसको ये फील नहीं करना कि यू आर यूजलेस नो इट शुड बी रियलिस्टिक आपने वो प्रॉब्लम मालूम करने आपने वो रीज़न मालूम करने क्या वजह है अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्या वजह है अगर तो अच्छी हुई है तो उसका उसको क्रेडिट दें उसको गाइड करें सो दैट नेक्स्ट टाइम इट शुड बी बेटर तो थर्ड पार्ट है एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि डोंट क्रिटिसाइज टू मच क्रिटिसिज्म क्या होगा वो तो काम हो गया ना अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द दॉ एंड इफेक्ट एक ये जो हुआ है अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई क्या उसमें उसका कसूर था इन्वायरमेंट का कसूर था क्योंकि जैसे हमने परफॉर्मेंस को डिफाइन कर ये, किया था कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ अबिलिटी मोटिवेशन एंड एन्वायरमेंट राइट द अपॉर्चुनिटी तो आपने इन तीनों चीजों का के मुताबिक इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए ये चेक करना है ये जज करना है ड्यूरिंग द डिस्कशन ड्यूरिंग ऑफकोर्स यू हैव ऑलरेडी नाउ द आउटकम्स कि ही वॉज एक्सपेक्टेड टू डू दिस बट वो ये काम पूरा नहीं कर सका आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी जीपीए जो इस सेमेस्टर की होगी वो थ्री पॉइंट फाइव से ऊपर होगी लेकिन गॉड कि वो कहीं टू से नीचे इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट पुशिंग तुम तो हो ही ऐसे तुम तो काम ही नहीं कर सकते गोइंग टू क्या इससे कोई बेहतरी आएगी कि नो यू रियलाइज कि उसको ये बताना है जिसकी अप्रेजल कर रहे हैं कि इसमें मसला क्या था आपके पास एबिलिटी नहीं थी आपने नॉलेज कम थी आपके पास स्किल्स प्रॉपर नहीं थी या यू हैव लॉस्ट योर मोटिव ड्राइव योर मोटिवेशन या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंड इफ बोथ यू एंड जिसकी अप्रेजल हो रही है इफ यू बोथ आर एबल टू फिगर आउट द रीजन तो मेन बहुत सारा मसला तो हल हो गया तो उसी नुक्ता नजर से जस्ट जो कहते हैं ना हाथ होला रखो क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं करें उसको रीजन मालूम करने की कोशिश करें ताकि उससे सबक सीख के वो उसकी आगे परफॉर्मेंस अच्छी हो वट एल्स नाउ रिमेंबर दू वट विल डू यू कैन ओनली चेंज द बिहेवियर यू नॉट चेंज द पर्सन द पर्सन विल स्टे द सेम ठीक है ना आपने ये जो इसकी जो वैल्युएशन की परफॉर्मेंस uh, प्लेजल की दो आस्पेक्ट थे उसके अंदर जो भी डिवेल्पमेंट लानी है आपने उस डिवेलपमेंट में आपने ये ख्याल करना है कि आपने उसके बिहेवियर को चेंज करना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पर्सन तो चेंज नहीं हो सकता उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में बड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके जो आउटकम है उसका जो बिहेवियर आस्पेक्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं एंड रिमेंबर अगेन सेम थिंग यू हैव टू फोकस ऑन दी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यू शुड बी सपोर्टिव गि दम फीलिंग दैट यूअर हिज और हर Supporter. उसके फायदे की बात है इफ यू नो दैट आई एम टाकिंग यूर समथिंग विच इज गुड फॉर यू यू विलन इट केयरफुली यू विल ट्राई टू अडाप दैट अगर आपको ये फीलिंग हो मैंने सिर्फ आपको रगड़ा लगाने के लिए आपको तंग करने के लिए आपको तकलीफ देने के लिए आपको जहनी कोफ्त पहुंचाने के लिए कर रहा हूं तो आप अच्छी बात भी नहीं सुनेंगे क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो बोथर वर्किंग फॉर दर्गनाइजेशन बोथर वर्किंग फॉर समथिंग तो यू शुड बी स्पोर्टिव ये जो वैल्युएशन कर रहा है उसकी बात कर यू हैव टू स्टैब्लिश द गोल्स एंड देन फॉलो डे बाई डे ऑल दो इवेंट आपने जिसको एवेल किया और आगे कैसे उसको करना है उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है तो इस सारे इंटरव्यू का मकसद क्या है कि वन टू वन बैठ के देखा जाए जो पहले हो चुका उसमें क्या प्रॉब्लम थे अच्छा क्या था बुरा क्या हुआ अच्छे को अप्रिशिएट करें बुरे पे क्रिटिसाइज इतना ज्यादा नहीं करें बल्कि उसमें से ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड गिव हिम हर सपोर्ट इफ ही यू थिंक हीस डेफिशियंस ऑफ सम स्किल्स चैलेंज दिस इज द स्किल यू हैव टू लर्न एंड यू शूड फेसिलिटेट थ्रू यूर ऑर्गनाइजेशन दैट यू शूड प्रोवाइड हिम द चांस कि वो वो स्किल अपनी इम्प्रूव कर सके और उसके बिहेवियर को मोल्ड करने की मॉडिफाई करने की कोशिश करें एंड अगले उसी बेस पर फिर आगे उसको मोटिवेट करके अगले गोल्स अच्छे सेट करें और फिर उसको मॉनिटर करें एंड दैट इज हाउ दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल थिंग विल भी यूजफुल नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन बट फॉर ऑर्गनाइजेशन टू एंड हू शुड डू द परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रेट करनी चाहिए अब यह भी जरूरी नहीं है जैसे हम बार अभी से चल रहे थे सबॉर्डिनेट और बास की बात कर रहे थे कि सिर्फ बास ही अवेल्युएशन करता नहीं आगे आप चल के देखेंगे कि नहीं देर सो मै डिफरेंट पीपल हु कैन डू द एवेलुएशन विद इन दर्गेनाइजेशन एक तो नेचुरली योर सुपरवाइजर इज द पर्सन हु विल बी डूइंग योर अवेल्युएशन फियर अवेल्युएशन फियर मीन योर कोलिग योर आपके साथ ही इंस्टीट्यूशन के अंदर इवन पियर अवेलुएशन इज ऑलवेज दे यूज इट एंड इट इज वेरी इफेक्टिव ऑफ कोर्स हम हर जो तरीकाकार है उसके uh, फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं अब ये भी आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ा वेल्यूशन में तो बड़ा मसला भी हो सकता है यस आप किसी की वेल्यूशन खराब है दूसरा कहता है अच्छा आप करके आए या सम टाइम दे जस्ट वो जिसे कहते हैं ना कि आपस में मिलके यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक तो क्लब टाइप बन जाते हैं कि नहीं आप मेरी अच्छी कर दीजिए मैं आपकी अच्छी कर दूंगा logical, तो दूसरा तरीका कौन करता है योर कस्टमर एंड क्लाइंट दे कैन अवैल यू टू आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां छोटी सी एक पड़ा होता है कि आप अपने कमेंट्स दे दीजिए वॉट इज दिस यू आर एवेल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस आप किसी की सर्विस यूज़ करते हो साथ में कार्ड लिखते हैं कि आप जरा बताइए कि हमारी सर्विस कैसी थी दैट इज़ द कस्टमर क्लाइंट एवेलुएशन इवन आजकल गाड़ियों के पीछे कुछ आर्गनाइजेशन है उनकी गाड़ी अच्छी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने अपने जो उनकी ऑफिस की गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे लिखा होता है कि हाउ हाउ एम ड्राइविंग बेसिकली नीचे नंबर दिया हो कि मुझे अगर मैं ड्राइविंग गलत कर रहा हूँ तो मेरे इस नंबर पर फोन करके बताइए कि ये ड्राइविंग गलत कर रहा है तो दिस इज़ आल्सो कस्टमर और क्लाइंट एवेलुएशन सेल्फ रेटिंग वेरी डिमांडिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को रेट करना वट आर डू फॉलो दिस थिंग जब वैल्यूशन शुरू होती है तो सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस देता है खुद अपने आप को वैल्युएट करें बेस्ड ऑन व्हाट ऑब्जेक्टिव व्हाट गोल यू डिटर्म डूरिंग लास्ट एवेल्युएशन वो सामने रखते हुए अपने आप को वैल्युएट करके खुद बताएं क्या किया आपने फिर अगली स्टेज पे आपका जो सुपीरियर होता है आपका जो बास होता है सुपरवाइजर होता है वो आपके साथ बैठ के उस चीज को अवेलुएट करता है कि अच्छा आपने लिखा है कि मैंने ये तोप चलाई थी तो वो आपको जस्टिफाई करता है कि वेदर इट वॉज राइट सो सेल्फ रेटिंग इज आल्सो वन वे वन मैथड ऑफ रेटिंग एंड अवेल्युएटिंग खुद भी कर सकते हैं एंड योर सुपरवाइजिंग इज नॉट ओनली डूइंग योर अवेल्यूशन बट समाइम यू आर ऑल्सो डूंगेज आर हर वेल्युएशन इसको रिवर्स अप्रेजल भी कहते हैं जैसे आज कल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये होता है कि एक तो आपको टीचर चेक करते हैं ना आप एग्जाम देते हैं आपके ग्रेड बनते हैं आप टीचर वैल्युएशन भी होती है आप वैल्युएट करते हैं कि आपने इस क्लास में से क्या सीखा आर यू सेटिस्फाई आर नार दिस इज ऑल्सो वी कॉल इट रिवर्स अप्रेजल टीम अप्रेजल एक टीम की शक्ल में एक टीम आके भी अप्रेज कर सकती है किसी को किसी प्रोजेक्ट को किसी एक पर्सन को एंड दिस इज आल्सो वन मेथड एंड टाइम दे कॉल इट 360 डिग्री अप्रेजल मल्टीपल ये जितनी हमने जो जो रेटर आपको बताएं, ये सारे सारी अप्रेजल किटी भी हो सकती है आप अपनी करें आपका बास आपकी करें आपके क्लाइंट भी कर रहे हैं टीम भी आके आपको प्रेस कर रही है इसको मल्टीपल या 360 डिग्री अप्रेजल कहते हैं इसकी एक दो एग्जांपल आगे देखते हैं तो इसको ग्राफिकली शो करते हैं आपने अपनी अप्रेजल खुद की आपके सुपरवाइजर ने आपकी अप्रेजल की ही इज इज आर शी द रेटर आप आपनेट योर पेयर्स कोलीग्स पेयर कोलिग्स जिसे हम कहते हैं कस्टमर और द टीम टू सी देर आर सो मैनी डिफरेंट पीपल हु कैन डू द अप्रेजल विद इन दर्गनाइजेशन और फ्राम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन क्लियर तो बात समझ आई क्या पढ़ रहे हैं आप सो विल रेट दी अप्रेजल कौन करेगा तो भाई आप भी बोलो बताइए कौन कौन कर सकता है अप्रेजल यस सेल्फ रेटर yes, खुद भी कर सकते हैं और योर सुपरवाइजर कैन डू योर वैल्यूशन इवन सबॉर्डिनेट कैन डू रिवर्स अप्रेज कहते हैं और कौन कर सकता है क्लाइंट्स या कस्टमर यस एंड यस फेयर्स आपके साथी भी आपको वैल्यूएट करते हैं जैसे हम एजुकेशन in इंस्टीट्यूशन में जब प्रोजेक्ट देते हैं ग्रुप को तो हम ग्रुप से भी फीडबैक लेते हैं कि आप बताइए कि आपके ग्रुप में किसने कितना काम किया तो so, क्या हो रहा होता है कि हर कोई एक दूसरे को भी वेल्युएट कर रहा होता है सो दैट इज द दुएशन उसके अलावा यस टीम की शक्ल में भी आके अवैलुएशन हो सकती है सो दीज आर डिफरेंट स्टेक होल्डर विच कैन डू दी अवेल्युएशन परफॉर्मेंस अवेल्युएशन इन सबका इंटरेस्ट होता है उस काम के सिलसिले में तो आगे चलें। जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक मल्टीपल जरूरी नहीं है कि एक ही किस्म की या एक ही अप्रेजल हो टाइम पीपल गो विद द मल्टीपल वे ऑफ डूइंग द अप्रेजल मुख्तलिफ लोग कर रहे होते हैं एट ए टाइम और उसकी जो लिमिट है दैट इज थ्री उसको 360 डिग्री के नाम दिया गया इसलिए कि सारे कर रहे होते हैं जैसे कि इस आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल्फ रेटिंग भी हो रही है सुपरवाइजर भी कर रहा है उस एम्प्लॉय के लिए उसका सबॉर्डिनेट भी कर रहा है कस्टमर भी कर रहे हैं आउटसाइड ऑब्जर्वर है कोई पेयर भी कर रहे हैं टीम की शक्ल में भी लोग आकर कर रहे हैं नाउ ईच रेटर के लिए देर ऑलवेज सम प्रोज एंड सम कॉन्स उस लेवल पे भी नहीं जाते आप बेसिक हैं चीज पढ़ रहे हैं तो आई होप के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ये चीजें समझ आएंगे अगली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी नॉट दे कॉमन एर है जो हर वक्त होते भी हैं नजर आते हैं होते रहते हैं अवैलशन में आते हैं कुछ बिहेवियर एस्पेक्ट हो सकते हैं कुछ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो क्या होते हैं एंड यू नो दैम तो अगर वो किसी जगह ऑब्वियस नजर आ रहे हैं तो वो कैन फिगर आउट कि यहां पे ये प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई सुपरवाइजरी बायस अगर तो आपका बास ही बायस है आपके साथ खुदा वास्ते का वायर है उसको जिसको कहते हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता फिर तो वो वैल्यूएशन ठीक नहीं है उसके अंदर प्रॉब्लम है अगर आपका बास नाराज है किसी वजह आप से आपसे उसको या बायसनेस है उसके अंदर ड्यू टू तो एनी रीजन तो उसको हम सुपरवाइजरी बायस कहेंगे जिसमें उसने जो बेसिक पैरामीटर्स थे जो बेसिक चीजें जिससे थीज़ कंपेयर करना था वो तो नहीं किया लेकिन वो उस बाइसनेस की वजह से ही हैज गिवन यू और एनी पर्सन जिसकी वैल्यूशन हो रही है रॉन्ग ग्रेड्स दिए हैं उसको गलत अप्रेस किया है तो वो किस वजह से हुआ क्योंकि द सुपरवाइजर वॉज बाइस एन अदर एयर इज कॉल इट हाल इफेक्ट वॉट इज द हाल इफेक्ट एक नई टर्म आप सुन रहे हैं हालो इफेक्ट ये होता है कि आप किसी की एक चीज को देखते हुए बाकी सारी चीजों के बारे में भी उससे जज करें तो दैट इज ए हालो इफेक्ट लेट्स कोई एक एम्प्लाई लेट आता है काम पे तो आप कहें कि ये सारे काम गलत कर रहा है दैट इज हालो इफेक्ट क्योंकि वो एक गलती कर रहा है ना उसी के बेस पे आप उसके सारी चीजों को गलत समझ रहे हैं या इट कैन बी अदर वे अराउंड कि वो टाइम पे सुबह सात बजे होता है तो को कुछ भी ना करें लेकिन आप कहते हैं कि ये इज एक्सीलेंट बिकॉज सी इज देयर एट सेवन थर्टी तो एक किसी उसकी जो उसका जो बिहेवियर पार्ट है या कोई एक भी उसकी एक्शन है उसके बेस पे आप उसके सारे एक्शन को उसी से इन्फ्लुएंस होकर राइट और अर कर रहे हैं तो दैट इज ए हालो इफेक्ट दे कॉल इट एंड दिस इज ऑल्सो ए सेंट्रल टेंडेंसी सबको एवरेज कर देना ये सर सब एवरेज है ये भी गलत है आप कुछ अच्छे होते हैं कुछ एवरेज होते हैं कुछ नीचे होते हैं सो दैट इज आल्सो वन बायसनेस लिनंसी लीनिय का मतलब ये है कि हर एक को वेरी गुड वेरी गुड कर दिया तो सारे ही अच्छे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहां है इसका मतलब है वहां तो वो गुंजाइश ही नहीं बेहतरी की दिस इज आल्सो ए बायसनेस अपोजिट ऑफ लीनियंस क्या होने के बहुत सी स्ट्रिक्ट किसी को तो अच्छा ग्रेड देना ही नहीं सारी खराब है दैट इज ऑल्सो रिसेंसी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स सी आप एनुअल रिव्यू कर रहे हैं लेकिन रिसेंटली किसी ने बहुत अच्छा काम कर लिया या आपको खुश कर दिया आप उसका पूरे साल की वैल्यूशन उस बेस पे करें कि बहुत अच्छा है या कैन बी अदर वे अराउंड के सारा साल तो बेचारे ने बड़ा अच्छा काम किया और अभी की नजदीक जब आपने वैल्यूशन करनी थी वो उससे कोई काम गलत हो गया तो उस सारे काम साल का काम उसका गलत तो दिस इज ऑल्सो बाइसनेस ओवरऑल रेटिंग सम टाइम पीपल जस्ट जब होता है आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आपको सजेस्ट भी करेंगे कि कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल के परफॉर्मिंग ला के देखें आपकी बुक के अंदर भी होंगे कि जब ओवरऑल आप लिखते हैं कि एक कॉमन लफ्ज देख देते हैं कि डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग यंग मैन तो आप एक ओवरऑल रेटिंग सबके लिए जैसी कर दी तो उससे भी इट्स नॉट गिविंग यू द रियल पिक्चर सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ बायसनेस आई थिंक ए नफ फॉर टुडे आई होप इट इज क्लियर नाउ लेट्स क्विकली समरइज वट वी हैव कवर टुडे सो बेसिकली हवर लेक्चर टुडे वॉज अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजर और परफॉर्मेंस अप्रेजर के अंदर हमने उस आर्गनाइजेशन के अंदर देखा कि क्यों कर रहे हैं क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किस तरह किया जाना चाहिए कौन परफॉर्मेंस अप्रेजर करेगा और कब करना चाहिए कब का पार्ट अभी कवर नहीं किया इसको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या होगा विल कंटिन्यू दिस अप्रेजल पार्ट एंड विल डू द जॉब वैल्यूएशन। उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो वर्कर आपने लिया है इसकी कंपनसेशन कैसे करनी है सैलरी कैसे होनी है सो दैट इज अबाउट टू लेक्चर तो इस समित के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं कि आप अगले लेक्चर के लिए पढ़ के आएंगे और मेहनत करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज एंड अकम्म